कि आपको अहम खबर दें, पंजाब की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने एलडीए को तमाम सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि गैर कानूनी करार दी गई सोसाइटीज को एक माह में लीगल किया जाए। बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने पंजाब भर में एलडीए की जानिब से तमाम गैर कानूनी करार दी गई हाउसिंग सोसाइटीज को लीगल करने का हुक्म दे दिया है और डीजी एलडीए को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये हुक्म दिया है कि इन तमाम सोसाइटीज को जिन्होंने आपको गैर कानूनी करार दिया उनके मालकान को बुलाएं, उनके साथ बैठकर बात करें और उन सोसाइटीज को लीगल करें। उन्होंने कहा कि आपने उस वक्त इन सोसाइटीज को क्यों नहीं रोका जब वहां पर घर तमीर हो रहे थे और अब तमाम सोसाइटीज आबाद हो चुकी हैं, अब उनसे बुनियादी हकूक उनसे कैसे छीने जा सकते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीजी एलडीए को एक माह के अंदर अंदर तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को कानूनी करार देकर उनके नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि तमाम सोसाइटीज में कायदे जवाबत पूरे होने चाहिए और वो मैं अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। दुनिया, खबर की दुनिया।